अंचल विद्युत वितरण निगम के MD अतुल निगम की अध्यक्षता में हुई विद्युत विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सौभाग्य को हर हाल में सफल बनाने का दिया सख्त निर्देश। नीलाब्जा चौधरी ने संभाला IG का पदभार, कहा जनता की शिकायतों का निस्तारण और अपराध पर अंकुश ही होगी उनकी मुख्य प्राथमिकता। खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का कचहरी क्लब टाउन हॉल गोलघर में हुआ उद्घाटन। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंगलवार से आरंभ हुई UP बोर्ड की परीक्षा, CCTV कैमरे की नजर में छात्र छात्राओं ने दी परीक्षा। जिलाधिकारी राजीव रौतेला की अध्यक्षता में कैंपियरगंज में जिला स्तरीय तहसील समाधान दिवस का हुआ आयोजन। कमिश्नर अनिल कुमार और IG नीलाब्जा चौधरी भी हुए शामिल। कुल 104 मामले में 32 का मौके पर हुआ निस्तारण। भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई संपन्न। मिलेनियम वोटर्स अभियान के तहत युवाओं को मतदाता सूची में जोड़ने पर बनाई गई रणनीति। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई उद्योग बंधुओं की बैठक। महवा मंडी की समस्याओं सहित अन्य दिक्कतों के निस्तारण के लिए दिए निर्देश। तहसील सदर सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में 115 मामलों में से एक का हुआ निस्तारण। रेलवे कर्मचारियों के आयकर की सीमा छूट बढ़ाने की मांग को लेकर पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ ने की आम सभा, रेलवे महाप्रबंधक को सौंपा ज्ञापन। अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र की मांग को लेकर मछुआ समुदाय के लोगों ने तहसील परिसर में दिया धरना, सौंपा ज्ञापन। JEE और AES के रोकथाम और बचाव के लिए आयोजित होंगे विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम। जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने जिले के सभी कार्यालयों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र लगाने का जारी किया फरमान। चंद्रकांति रमावती देवी आर्य महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय का 5 दिवसीय रोवर्स रेंजर्स शिविर का हुआ समापन, छात्राओं ने सांस्कृतिक नृत्य से बांधा समा। और ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ स्मृति 3 दिवसीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का हुआ शुभारंभ, 1 दर्जन से ज्यादा शिक्षण संस्थाओं के खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा।